आदरणीय हमारी सहयोगी पार्टी, हाँ जी, अपना लेखन कार्य शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी तरफ से ऐसा सम्मान, पहला गीत आप लोगों की तरफ भेंट कर रहा हूँ, आ रहा है, स्वीकार कीजिए। बिल्कुल। और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि जल विहार मेला में ये प्रोग्राम है, तो पहला गीत भगवान के श्री चरणों में दे रहा हूँ। सुनिए। हेलो, फिर भी मैं प्यासी, टुकड़ा निकला था। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो मैन, माइक थोड़ा गेन बढ़ाइए भैया। मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेदिए गहरा बात जरासी, दिल भी है चारों ओर उदासी, आजा रे परदेसी। अरे मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां रह गई पंथ निहार, परदेसी होने जा रहा है। आदरणीय क्रांतिमाला जी, पहला गीत मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। एक बार जल विहार देखिए कितने प्रकार के मैं बता रहा हूं, लेकिन प्रकार एक ही है। वाह, सुनेगा हुआ क्या क्या बेटे। पापी ने किया नाक में तम है, असुर, जिसने जब आतंक बचाया उसकी मौत केवल भगवान श्री गणेश जी के द्वारा होनी थी। बिल्कुल। अब देखिए उसका नाम ही है अनिलासुर, जो अग्नि के रूप में है। क्या बात बड़े। पापी ने किया नाक में तम है, तो गणनायक ने बढ़ाया कदम है, और जब कदम बढ़ाया तो उसको मार के नहीं जी सकते थे। उसकी मौत किस प्रकार से थी ये सुनिएगा। ये अरे गणनायक ने बढ़ाया कदम है, तो अनलासुर निगला एकदम है। सुर को निगल गए, सीधा मुंह के अंदर उसको कर लिया, पेट में बिल्कुल। और जब निगल गए उसका वहीं पे प्राणांत हो जाता है, लेकिन उसका नाम है अनलासुर।
आदरणीय गणेश जी महाराज के शरीर में आग प्रज्वलित हो गई। ये और जब आग प्रज्वलित हो गई तो देखिए होता क्या है। क्या बेटे? जल विहार की तरफ आपको ले चल रहा हूँ, सुनिएगा। प्रज्वलित है वो गणपति, अरे विचलित है वहां गणपति, लगी तन मन में अग्नि अपार किया है, सिंधु के जल में जल विहार। बेचैन हो गए गणेश जी महाराज के मेरे शरीर में आग लग गई, तो गणेश जी महाराज जाके सिंधु के जल में जाके जल विहार करते हैं, तब वो आग जो अनलासुर के नाम को दैत्य को जब वो निगल गए वो आग बिना जल विहार के नहीं मिटी। इसलिए सुनिएगा, सुनिए। लगी तन मन में अग्नि अपार किया है, अरे सिंधु के जल में जल विहार। तो सित है तब गणपति, पहले विचलित थे फिर हर्षित हो गए। भैया हमारे मिश्रा जी की हेलो हेलो जो लीड देख लीजिए। चलो हेलो चलाओ चलाओ। दूसरा जल विहार मैं आपको बताने जा रहा हूं, भगवान शिव और भगवान श्री हरि का। देखिए वहां पे क्या होता है। क्या बेटे? ये सभी लोग प्रायः जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सुनिए सुनिए। दो तन है पर एक ही मन है, बहुत बढ़िया। अरे चलो दो तन है पर एक ही मन है, भगवान हरि और हर का। देखने में दो जरूर हैं, लेकिन वो उनके हृदय में रहते हैं, वो उनके हृदय में रहते हैं। ये बात। दो तन है पर एक ही मन है, हर और हरि ने कीन्हा गमन है। कहां पहुंचे? कहां? जल विहार के लिए देखे जाते हैं। तो दोनों का सिंधु तट पे हुआ आगमन है। और जब दोनों लोग पहुंच गए तो हर्षित है, हर्षित है तब जगत पति। अरे हर्षित है जगत पति। जगत पति दोनों को लिए कहा गया भैया? दोनों लोगों के लिए जगत पति का संबोधन हुआ है। विष्णु भगवान को भी लोग जगत पति कहते हैं और पुराणों में लेख मिलता है, और भगवान श्री हरि को और हर दोनों जगत पति हैं। इसी सुनिएगा। तो हर्षित है जगत पति, एक दूजे के प्राणाधार। वो उनके प्राणों में बसते हैं, वो उनके प्राणों में बसते हैं, लेकिन अंतर मिला। सुनिए। एक दूजे के प्राणाधार, सिंधु के
जल में किया है जल विहार, हर्षित है जगत पति, जो भी जल विहार दे रहा हूं केवल केवल और केवल सतयुग से दे रहा हूं। बिल्कुल। और एक और बात विशेष मैं आपको छुपाऊंगा नहीं, केवल सिंधु के जल में। वैसे जल विहार कई जगह पे हुआ है लेकिन केवल सिंधु के जल में आपको तीन वाक्य दे रहा हूं, तीन कथाएं दे रहा हूं। अंतिम कथा सुनेगा, और किसने सिंधु के जल में किया जल विहार? अग्नि की ज्वाला इतनी तपस्या की कि तपस्या करते करते मुंह से आग निकलने लगी, पूरे शरीर से आग निकलने लगी। बहुत बढ़िया भाई साहब। और जब आग निकलने लगी, एक नंबर का काम, तो देखिए देवताओं ने किया क्या? क्या बेटे क्या? प्रजेता उस तपस्या की अग्नि से जब तड़पने लगे, तो देखिए हुआ क्या? क्या हुआ? अग्नि के ज्वाला से, अग्नि की ज्वाला से जलते हम हैं। दसो भाई, त्रिभुवन पति कुछ कर दो रहम है। आए त्रिभुवन पति, सभी देवता आते हैं। कुम्रदुल मिला मानो मर हम है, कुछ चिंतित है त्रिभुवन पति, होगा मृदुल, अरे होगा ये सुंदर सुखी परिवार किया है सिंधु के जल में जल विहार, तू चिंतित है त्रिभुवन पति, चिंतित है पति। आग फिर भी शांत नहीं हो रही है, तो देवताओं ने क्या किया? क्या बेटे? वृक्षों की कन्या मारिसा से उनकी शादी कराई। जय हो। दसों लड़के जो आपस में भाई भाई हैं, वृक्षों की कन्या मारिसा उनको जब ब्याह दी गई, दसों को एक पत्नी। बिल्कुल। दस पति के बीच में जब एक पत्नी की शादी हुई, तो फिर भी जब आग शांत नहीं हुई, तो कहा कि जाओ सिंधु तट पे तुम निवास करो, और वहीं पे तुम्हारी अग्नि शांत होगी। तब जल विहार किया उन प्रचेताओं ने। क्या बात बेटे। जल विहार के बाद तब वो अग्नि शांत हुई। बहुत बढ़िया। तो देखिए जब शांत हुई तो हर्षित है त्रिभुवन पति, चिलित है वो गणपति, हर्षित है जगत पति, चिंतित है त्रिभुवन पति। बोलन भूला मैया की जय, महाराज की जय, भूत भवन भोले बाबा की जय, और सभी देव के तुम संग जन्म जन्म के फेरे।
मत हूँ मैं साँझ सवेरे ओ आ जा रे परदेसी ओ मैं तो तब से खड़ी इस पार के अखिया थक गई पंच निहार ओ मैं तो कब से खड़ी इस पार के अखियां थक गई पंथ निहार अरे हमारे सुधीर विश्वकर्मा जी वीरभूम महोबा आपकी तरफ से आप आरा मशीन के ऑपरेटर हैं सुधीर भाई आपको धन्यवाद है मेरी तरफ से विचलित है वो गणपति गणपति लगी तन में अग्नि की अपार तो सिंधु के जल में करने लगे जल बिहार सिटी सुनिए जवाब सुनिए तीन जगह आपने जल विहार दिखाया है हालांकि जल विहार बहुत जगह बहुत बार हुआ लेकिन कुछ विशेषता है आपके गीत में मुकेश भैया बस प्रयास कर रही हूं कि जल विहार एक ही जगह से निकल आए ये और खास बात है सिंधु के जल में जय हो आपके गीत में सिंधु में जल विहार हो रहा है तो जल विहार सिंधु में हो जाए अवकाश समझते रहिए जिस समय भगवान भोलेनाथ एक बार और माता को अमर कथा सुनाने बैठे तब भी नहीं सुना पाए सुनाया लेकिन वो सुन नहीं पाई और दोबारा भी जब अमरनाथ गुफा में माता अमर कथा नहीं सुन पाई तो देखिए शिव पार्वती कथा को सुनाने के लिए सागर में लेकर पहुंचे और ये कथानक जो पढ़ा है वही आपको सुना रही हूँ होता क्या है क्या के देवी बोली जोड़ के कर है मुद्राएं हमारे साहिल भाई के लिए ढोलक पर दे गए हैं जोरदार तालियों से आप उनका सम्मान करें जोरदार तालियां क्या बात है बेटे बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ कि आप लोग कलाकारों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारे आदरणीय संतु भैया जी संत राम जी आपकी ओर से साहिल भाई के लिए भी तमाम पुरस्कार आपने दिए हैं और 101 मुद्राएं मेरे लिए भी भेंट की हैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ सुनिए क्योंकि पहला चरण है तो इसलिए
इन पर भी कमान कसी हुई है जे। फिर भी धीरे धीरे फिसल जाते हैं। ओ समय बचा रही हूँ, लड़का है तो देवी बोली जोड़ के कर है और कृपा करो जल में आकर है। तो धन्य बनो मैं कथा सुन कर है। माता ने कहा भोलेनाथ मुझे कथा सुननी है। तो धन्य बनो मैं कथा सुन कर है। वहां भी के शोभित है वो पशुपति। पति सुनिएगा, आपके गीत में भी कुछ विशेषता चल रही है तो मेरी तरफ से भी। गणपति अगर उधर गणपति तो यहाँ शोभित है पशुपति। शोभित है वो पशुपति वहां के कर ना सके इनकार किया है सिंधु के जल में विहार। समझते जल में विहार हो रहा है और जब दोनों विहार करने लगे तो वही उसी वहाँ एक और कार्य मिल गया। वहाँ एक मछली के अंडे से एक पुत्र पैदा हो गया और उस पुत्र का नाम पड़ गया मसेंद्र। नाथ नाम का पुत्र पैदा हो गया क्योंकि मछली से है इसलिए। शोभित है पशुपति क्योंकि के कर ना सके इनकार तो किया है सिंधु के जल में जल विहार। शीघ्रता में पूर्ण करूंगी। सब अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग बैठे। एक बार मनु को भी एक मछली मिली और ये मछली कोई और नहीं है भगवान श्री हरि स्वयं मछली बनकर आए। क्या बात है। और जब मछली बनकर आए तो वहां भी एक काम हो जाता है। क्या के मनु पाए श्री हरि से वर है। का भवर है वहां मछली रूप में स्वयं महावर है। हो अब यहां पूजित है वो श्रीपति। समझते रहिए पहले पशुपति अब यहाँ श्रीपति यानी लक्ष्मी के पति। वही मछली बनकर आए और मछली बनकर आए तो मनु ने पहले इन्हें तालाब में डाला फिर ये तालाब से नदी में पहुंचे और फिर नदी से जाते जाते सागर तक पहुंच गए यानी सिंधु तक पहुंच गए और वहाँ जल विहार कर रहे हैं। तो पूजित है वो श्रीपति जग करता है जिनकी जय जयकार तो किया है सिंधु के जल में जल विहार। तीन प्रसंग आपने दिए हैं, तीसरी जगह देखिए और तीनों जगह सिंधु में ही जल विहार लाने का प्रयास कर रही हूं।
हालांकि जल विहार तो राधा कृष्ण ने भी किया। कथा को समझते रहिए। राम जानकी भरत शत्रुघ्न सब बैठे हैं नाव में, वहाँ भी जल विहार हो रहा है, लेकिन आपकी जो बात है बस उसको लेने का प्रयास कर रही हूँ। वृत्तासुर का वध करने के बाद जब इंद्र जी को ब्रह्म हत्या लगी तो वहां भी एक काम होता है, देखें क्या इंद्र ने काटा असुर का सर है। असर है तो जल में छिपे आया ये अवसर है। हो अब चूंकि वो असुर जाति से ब्राह्मण है इसलिए ब्रह्म हत्या लगी, लेकिन वहां भी चिंतित है वो सुरपति। सुरपति क्यों? क्योंकि हजारों वर्ष किया इंतजार तो किया है सिंधु के जल में जल विहार। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास कि तीन बातें आपने ली हैं, तीन बातें मैं ले लूं। और मैं समझ रही हूं कि बहुत गाढ़े गाने गाने की आवश्यकता नहीं है ना बेटे। और मेरा अपना एक अनुभव है, एक मानना है कि बहुत टेढ़े मेढ़े गीत यहाँ से ये पैदा हो गए, उनकी सींग से वो निकल आए, फिर ये हो गया वो हो गया, इससे जवाबी का जायका खराब हो जाता है। केवल ऐसे गीत दूसरी पार्टियों के लिए होते हैं, जनता के लिए नहीं।